क्वेश्चन नंबर फोर, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री. पार्ट फर्स्ट इज प्रूव द आइडेंटिटी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इज आइडेंटिकल इक्वल टू साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा. लेफ्ट हैंड साइड को आपने लेना है और राइट हैंड साइड बनाना है. तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेफ्ट हैंड साइड इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. अब हमें इसको इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. अब वी गेट साइन थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्केयर थीटा. अब हम क्या करेंगे, साइन स्केयर और कॉस स्केयर को, साइन स्केयर को लिखेंगे वन माइनस कॉस स्केयर, इस कॉस स्केयर को लिखेंगे वन माइनस साइन स्केयर, बिकॉज साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू वन होता है. इसको मर्जी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं. तो साइन थीटा फर्स्ट टर्म रिमेन्स एज सच माइनस. अब हम इस साइन स्केयर को और कॉस स्केयर को कन्वर्ट करेंगे. साइन स्केयर होता है वन माइनस विद इन ब्रैकेट आपने लिखना है वन माइनस कॉस स्केयर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू लास्ट पे कॉस स्केयर को लिखेंगे वन माइनस साइन स्केयर थीटा. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी गेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ये कॉस थीटा जो है ये इन दोनों टर्म्स जो ब्रैकेट के अंदर हैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ बाहर साइन माइनस के साथ साइन भी चेंज हो जाएंगे. माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा. कुछ टर्म्स कैंसिल आउट, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट. तो वी गेट साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये हमने आइडेंटिटी फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव कर दी है, आइडेंटिटी प्रूव हो गई. तो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हेंस सॉल्व द इक्वेशन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू थ्री कॉस क्यूब थीटा फॉर थीटा लाइज बिटवीन जीरो टू थ्री सिक्सटी. ये हमने सॉल्व मीन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. क्वेश्चन में वेरिएबल है थीटा, थीटा जो है जीरो और थ्री सिक्सटी इंटरवल दिया हुआ है. इस इंटरवल में हमने एंगल्स फाइंड करने हैं. सॉल्व मीन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल विद इन दिस इंटरवल जीरो टू थ्री सिक्सटी. ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी अदर फॉर्म हम यूज करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड को हमने ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड को ऑलरेडी हमने ये शो कर दिया साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा. तो लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे हम साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा लिख देंगे. तो वी गेट इसकी जगह पे लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको हम लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड थ्री कॉस क्यूब थीटा. अब यहां से लाइक टर्म्स को हम एक साइड पे ले आते हैं. ये थ्री कॉस क्यूब, ये भी कॉस क्यूब, इस टर्म को लेफ्ट पे ले आते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा. वी गेट साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू थ्री कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस
क्यूब थीटा राइट हैंड साइड जो है वो हो जाएगी 2 साइन 2 कॉस क्यूब थीटा। 9 बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग ये कॉस क्यूब जो है साइन क्यूब के नीचे आ जाएगा, तो ये 10 बन जाएगा। साइन क्यूब थीटा ओवर कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2। साइन क्यूब ओवर कॉस क्यूब दैट बिकम्स 10 क्यूब। सो 10 क्यूब थीटा इज इक्वल टू, टेकिंग क्यूब रूट ईच साइड वी गेट 10 थीटा इज इक्वल टू 2 क्यूब रूट ऑफ 2, 2 की पावर 1/3। तो यहां से बेसिक एंगल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2 पावर 1/3। तो अपने कैलकुलेटर मोड को आपने डिग्री पे रखना है, क्योंकि आपका इंटरवल डिग्री में है 0 to 360 डिग्री, आपने एंगल फाइंड करने हैं। तो यहां से बेसिक एंगल आएगा 10 इनवर्स 2 पावर 1/3, दैट इज थीटा इज इक्वल 51.56। थीटा इज इक्वल टू 51.56 डिग्री। अभी आपने राउंडिंग ऑफ नहीं करनी, ऐसा लिख लेना है। एक एंगल हमारे पास आ गया, दैट इज इसको बेसिक एंगल बोलते हैं। बेसिक एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज एक्यूट। ये देखिए बेसिक एंगल एक्यूट एंगल है। एक और एंगल भी होगा, वो हम इस स्केच से फाइंड करेंगे। ये 4 क्वाड्रेंट हम बना लेते हैं, ए एस टी सी। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, ए ऑल पॉजिटिव साइन कॉस टेन सब इसमें पॉजिटिव, एस इसमें इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, या थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव। अब हमारे पास 10 की वैल्यू ये देखिए ये पॉजिटिव आ रही है, तो हमारा हमारे एंगल्स होंगे इन 2 क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट में और ये 10 में। फर्स्ट में हमने फाइंड कर लिया एंगल 51.56, और थर्ड क्वाड्रेंट पे एंगल होता है 180 प्लस बेसिक एंगल, 180 प्लस बेसिक एंगल। बेसिक एंगल को हम यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सो इसमें 180 ऐड कर देंगे, तो वी गेट अदर एंगल विल बी 180 डिग्री प्लस बेसिक एंगल दैट इज 51.56 डिग्री। तो सो थीटा इज इक्वल टू 231.56 डिग्री। दीज आर टू आंसर्स, 231.56 डिग्री और 51.56 डिग्री। बट फाइनल आंसर को हमने करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस देना होता है। जब हमें एंगल डिग्री में पूछा हो तो फिर हमने आखिरी आंसर फाइनल आंसर जो है करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस है ना, तो सो फाइनल आंसर विल बी 51.6 डिग्री। इस एंगल को 1 डेसिमल प्लेस में लिखा है, इसको भी लिखेंगे। दूसरा एंगल है 231.6 डिग्री। दीज आर द 2 आंसर्स।